आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। इस सिपाही खानदान से तो भगवान बचाए सबको, नौकरी नौजवानों की नौकरी भी खतरे में थी और बहन बेटियों के साथ तो क्या बीतती थी ये सभी जानते हैं। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतने नजदीक आएगा और विकास जितना नजदीक आएगा उतना रोजगार मिलेगा। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने प्रदेश देश के युवाओं के लिए अग्निपथ के नाम पर अग्निवीर पैदा करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। दुनिया उसका स्वागत कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। 10 लाख नौजवानों को, 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25-20 आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए ये भाव होगा। ये नौजवान जब हमारा 18 से 21 वर्ष का ये नौजवान यूनिफॉर्म पहन करके जब अपने घर में आएगा तो घर के लोग भी गौरव के साथ कहेंगे, अपने नौजवान पर गौरव की अनुभूति करेंगे कि देखे हमारा ये लड़का हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद अपना रास्ता स्वयं बना रहा है, उसको तमाम प्रकार के अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात हुई है। लेकिन भाइयों बहनों, नौजवानों के जीवन के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया था, याद करिए 2017 के पहले क्या होता था, कोई नौकरी निकलती थी और पूरा खानदान निकल पड़ता था, वो सूदी में निकल पड़ता था कि नहीं निकल पड़ता था। हमने तो 5 लाख सरकारी नौकरी दी है, 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में निवेश के माध्यम से उन्हें तमाम प्रकार से नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया है और 60,00,000 परंपरागत उद्यम में कार्य करने वाले परिवारों को भी स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर सपा और बसपा की सरकार के समय हमारे नौजवानों के साथ क्यों धोखा होता था। कोई नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पे धोखा, पैसे वसूली शुरू हो जाते थे। बहन जी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि उसका पेट कभी भरता ही नहीं है, वो गरीबों का राशन भी खा जाता था और साथ साथ नौजवानों की नौकरी थी। और भाइयों बहनों, इस सिपाही खानदान से तो भगवान बचाए सबको, नौकरी नौजवानों की नौकरी भी खतरे में थी और बहन बेटियों के साथ तो क्या बीतती थी ये सभी जानते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, उपचुनाव में एक अवसर और दिया है आजमगढ़ को और हमने तो आपके बीच के एक नौजवान कलाकार को दिया है। कलाकार एक गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बिल्कुल एक उपहार होता है।
जाना चाहिए। आपने देखा होगा मैंने गोरखपुर की सीट छोड़ी और उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए मैं एक भोजपुरी कलाकार को ही लेके गया और वो भी जौनपुर से लेके गया। मैंने कहा पूर्वांचल का नौजवान ही गोरखपुर में लड़ेगा और रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से सांसद हैं कि नहीं है? आए थे रवि किशन के लिए? आए थे कि नहीं? रवि किशन गोरखपुर के से सांसद हैं कि नहीं है? तो गोरखपुर में रवि किशन सांसद हैं और अगर निरुआ जो है आपका निरुआ आपके यहां से शुरू हो जाएंगे सांसद बन जाएंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा? होगा ना, घर घर जाएंगे, सबको बताएंगे, निरुआ को वोट देने के बारे में बात करेंगे, चुनाव के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए निरुआ, विकास को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप में से बहुत सारे नौजवानों को फिल्मों में काम करने के लिए आमंत्रित कर देंगे, बहुत सारे लोग बोल देंगे। और मुझे तो अभी मैं सोच रहा था राम दर्शन जी ने ज्वाइन किया, ऐसा तो नहीं कि वो फिल्मों में जाने के इच्छुक हो। लेकिन मैं कह सकता हूं नौजवानों के लिए बहुत सारे अवसर हम ला रहे हैं। हमारा नौजवान प्रदेश के अंदर हम देश और दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी लाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और याद रखना भोजपुरी फिल्म उद्योग के लिए भी अवसर आएंगे क्योंकि कलाकार तो हमारी एक उपलब्धि है, हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। और इन कलाकारों को सम्मानित करना, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, इन्हें मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना, ये हमारा दायित्व है। और भाइयों बहनों मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं, आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं। आपके पास आया हूं मैं कहने के लिए फिर से अवसर को चूकिएगा मत। ईश्वर ने अगर आपको एक अवसर दिया है तो भाइयों बहनों आजमगढ़ में आप देख रहे होंगे अब घटनाएं नहीं घटित होती, नहीं तो यहां पे क्या होता था? सिवनी नेशनल कॉलेज में अजीत राय की भी हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? तब बसपा या सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी तब। मुन्नर यादव और सुन्नर यादव की हत्या हो गई थी, कितने बहादुर गौ भक्त थे सुन्नर यादव मुबारकपुर के, मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं इनको, महान गौ भक्त थे। लेकिन भाइयों बहनों ये समाजवादी पार्टी सरकार की और बहुजन समाजवादी पार्टी सरकारों की तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गए और आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और राष्ट्रवाद की पक्षधर है। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।